दर्शकों, बंधन समाचार में मैं हूं आपके साथ ऋचा वर्मा और बंधन समाचार के स्पेशल एपिसोड अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है मास्टर फिजियोथेरेपी ऑर्थो डॉक्टर सुजाता राजपूत जी। तो आइए जानते हैं उनके विचारों के बारे में। नमस्कार मैम। नमस्ते। आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे स्टूडियो में और आपको अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको भी धन्यवाद मैम। तो जैसे कि मैम आप फिजियोथेरेपिस्ट के रूप में थानपुर में हेलेन पेच फिजियोथेरेपी एंड स्विमिंग क्लिनिक का संचालन करती हैं, तो आप कितने समय से इसका संचालन कर रही हैं? सन 2016 से मैं हीलिंग टच फिजियोथेरेपी क्लिनिक को चला रही हूँ। आज सन 2023 मई में इसको 7 इयर्स कंप्लीट हो जाएंगे। जी, तो जैसे हम महिला दिवस सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो आपके क्या विचार हैं महिला दिवस को लेकर? आज के समय में हम महिला दिवस क्यों मना रहे हैं और किस लिए मनाया जाता है और कब मनाया जाता है ये सभी को पता है, ठीक। फिर भी मैं एक छोटा सा महिला दिवस के लिए बोलना चाहूंगी। महिला दिवस जो है ये 1908 में जो अमेरिकन महिलाएं थी, 15,000 महिलाओं ने न्यूयॉर्क की सड़कों पर निकल के एक आंदोलन की शुरुआत करी। उस आंदोलन में उन्होंने अपनी मांगे रखी, वो मांगे उनकी अपने काम को लेकर थी, अपने वर्क को लेकर थी। सन 1909 में एक सोशलिस्ट पार्टी ने उनकी इन मांगों को पूरा करने का एक मिशन उठाया और उन्होंने इसे एक्सेप्ट कर कि हम जो ये महिला दिवस है इसको मनाएंगे। पर इसको एक प्रोग्रेसिंग में आते आते 1975 में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने इनको मान्यता प्राप्त करी। तो हम उस दिन से 8 मार्च से हम इंटरनेशनल वुमेन्स डे को सेलिब्रेट करते हैं। और 8 मार्च को ही हम वुमेन्स डे इसलिए सेलिब्रेट करते हैं क्योंकि उन 15,000 न्यूयॉर्क महिलाओं ने 8 मार्च के दिन ही इस आंदोलन को उठाया था, तो इसलिए उसको 8 मार्च का दिन ही सिलेक्ट करा है। जी, तो जैसे मैम आप फिजियोथेरेपिस्ट हैं और महिलाओं को ही आप फिजियोथेरेपी देती हैं, तो आपके सामने महिलाओं को लेकर विशेष रूप से कौन सी ऐसी समस्याएं आती हैं और उनका इलाज आप कैसे करती हैं? यदि हम महिलाओं की बात करें तो महिलाओं को लेकर हमें जो एक मेन समस्या का सामना करना पड़ता है वो एक ही चीज है, इनरेगुलर। महिला जो है वो अपनी हेल्थ को लेकर इतनी जागरूक नहीं है, तो हमें उनके साथ रेगुलरिटी की बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता है। वो अपने से ज्यादा प्रायोरिटी अपनी फैमिली को, अपने बच्चों को देती है, जिस वजह से वो अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रख पाती है। तो कोई समस्या उनकी बॉडी में जनरेट जब होती है तो वो उसको इग्नोर कर देती है, वो उस पर ध्यान ही नहीं देती है। वो इतने में अपने ऊपर ना ध्यान देने की वजह से वो कुछ ही महीनों में वो जो समस्या जो शुरुआती थी वो एक बीमारी के रूप में बदल जाती है और फिर वो उसके इलाज के लिए बाहर निकलती हैं। जो बीमारी उनकी 10 दिन में ठीक हो सकती थी, उस बीमारी को ठीक होने में कम से कम 1-2 महीना लग जाता है और उसके बावजूद भी वो अपने ट्रीटमेंट के लिए, अपनी बीमारी के लिए इतनी लापरवाह होती हैं कि वो रेगुलरिटी नहीं दे पाती हैं, ठीक। क्योंकि अपनी हर किसी की अपनी एक फैमिली समस्या हो जाती है, एक अपने बच्चों की समस्या हो जाती है, तो इस वजह से जो आज के समय में हम रेशियो उठा के भी देखते हैं तो पुरुषों के कंपेयर में महिला जो है 80% ज्यादा बीमार है। तो हमें अपने प्रोफेशन में आके यही दिक्कत का सामना करना पड़ता है कि हम महिला जो है वो प्रॉपर अपने ट्रीटमेंट को नहीं। तो उसका इलाज मतलब कैसे आप इलाज करते हैं, क्या महिलाओं को आप बताते हैं, ऐसा टिप्स देते हैं कि जिससे वो ये सामना ना करें इस चीज़? हमने महिलाओं के एक इस रूटीन को देखते हुए हमने उनके लिए, क्योंकि फिजियोथेरेपी जो है वो एक दिन का इलाज नहीं है। फिजियोथेरेपी ऐसा नहीं है कि पेशेंट हमारे पास आया और हमने उसका एक दिन में ट्रीटमेंट किया और वो अपने घर बैठ के दवाइयां खाए, ठीक है। फिजियोथेरेपी है पर डे हम उसको एक एक्सरसाइज कराएं, एक ऐसी थेरेपी दें जो प्रॉब्लम उसकी बॉडी में आई है वो धीरे 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 बॉडी में खत्म हो जाए, ठीक। तो ये रेगुलरिटी है, पर महिला रेगुलरिटी नहीं दे पाती है। तो हमने एक टाइम पीरियड इस तरीके से एक बीमारी का सिलेक्ट करा है कि किसी भी महिला को जिस तरीके की समस्या है ये प्रॉब्लम कितने दिन तक रह सकती है या कितने दिन तक रहेगी अकॉर्डिंग टू डॉक्टर्स, वो डॉक्टर्स के जिस भी रेफरेंस से आई हैं, जिस भी प्रिस्क्रिप्शन से आई हैं, हम उनको बीमारी की जो प्रॉब्लम है उसको ट्रीटमेंट को हम अपने 3 से 4 भाग में डिवाइड कर देते हैं कि मान लीजिए वो समस्या, उनकी समस्या 1 महीने में ठीक होगी तो हम उसे 10-10 दिन का एक टारगेट बना लेते हैं कि हम उन्हें पहले 10 दिन का ट्रीटमेंट देते हैं, फिर हम उनको होम एक्सरसाइज
प्रिस्क्राइब करते हैं कि वो घर पे अपनी इस तरीके से केयर करें और एक्सरसाइज करें, और फिर उन्हें नेक्स्ट मंथ के 10 दिन की डेट दे देते हैं कि वो इस डेट पे आए फिर अपनी 10 दिन की एक्सरसाइज कराएं। तो हमने अपने फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट को इस तरीके से महिलाओं में डिवाइड कर दिया है कि इस तरीके से डिवाइडेशन करा है कि महिला प्रॉपर मैक्सिमम 90% महिला प्रॉपर टाइम पे आती हैं और अपनी थेरेपी लेती हैं और हम उन्हें एक बेस्ट रिजल्ट दे पा रहे हैं। जी अच्छा, बहुत अच्छा आपने विचार किया और आप इस पे काम कर रही हैं। तो आगे बढ़ते हैं। जैसे मैम हम देखते हैं कि महिला हुआ युवती जो अपनी निजी उनकी समस्या होती है डॉक्टर के सामने नहीं रखती, बहुत हिचकिचाती है, उनको शर्म आती है बताने में। तो कोई कभी ऐसी प्रॉब्लम आपके सामने कोई आई है जो कि लेडी हो या कोई भी लड़की उसने नहीं बताया हुआ आपको, और अगर आया है तो फिर उसका इलाज आपने कैसे किया है? आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। ये प्रॉब्लम एक बार नहीं कई बार हमारे सामने आई। पहले सन 2016 में जब मैंने हीलिंग टच को रन करा था, जब मैंने इसको चलाया था, तो पहले महिला और पुरुष दोनों का इलाज हमारे यहाँ होता था। जब मैंने हर तीसरे दिन हर चौथे दिन की हमारे पास यही समस्या होती थी कि एक्चुअली जैसे समाज है, हम अपना समाज में डिवाइडेशन करें तो पर्दा परहेज को समाज में ज्यादा है, ठीक है ना। तो हम महिलाओं को एक खुल के ट्रीटमेंट नहीं दे पा रहे थे, इलाज नहीं कर पा रहे थे, और ना ही वो खुल के हम अपनी समस्या हमसे शेयर कर पा रही थी। तो मैंने सन 2018 में ये डिसीजन लिया कि हम सिर्फ महिलाओं का ही इलाज करेंगे, क्योंकि पुरुषों के लिए वो और जगह भी जा सकती हैं, और जगह हर जगह फिजियोथेरेपी सेंटर्स हैं, बहुत अच्छे अच्छे सेंटर्स हैं हमारे धामपुर में भी जो चल रहे हैं, तो महिला पुरुष जो है वो वहां जाकर भी इलाज करा सकते थे। पर जब मैं एक महिला फिजियोथेरेपिस्ट हूँ तो मैंने एक मिशन बनाया और मैंने सारा स्टाफ अपना महिलाओं का ही रखा, और आज भी मेरे पास सारा महिला ही स्टाफ है। हमने फर्स्ट प्रायोरिटी महिलाओं को दी और हमने सन 2018 से हम ये क्लिनिक जो है महिलाओं के लिए ही चला रहे हैं। हमारे यहाँ महिलाओं का ही ट्रीटमेंट होता है और महिला ही के द्वारा होता है, ठीक है ना। तो अब हमें इस समस्या का सामना नहीं करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि जो भी महिला है वो अपनी समस्या को मेरे सामने और मेरे स्टाफ के सामने अच्छे से रख पाती हैं और अपनी समस्याओं को बोल पाती हैं, तो हम उनका इलाज खुल के और अच्छे तरीके से कर पा रहे हैं। जी अच्छी बात है मैम। तो जैसे कि मैम अभी महिला सशक्तिकरण को लेकर हमारी सरकार बहुत ही प्रयत्नशील है, काम कर रही है, लोग जागरूक भी हो रहे हैं इससे, लेकिन फिर भी आप भी देखते हैं कि अपराध के मामले बहुत बढ़ रहे हैं महिलाओं और युवतियों को लेकर खास तौर पर। तो इसमें आप क्या सोचते हैं कि इसमें किसकी कमी है और इसके लिए कैसे काम करना चाहिए, कैसे जागरूक होना चाहिए उन्हें? जो हमारी सरकार है वो महिला सशक्तिकरण के लिए बहुत अच्छे अच्छे मिशन चला रही हैं और बहुत अच्छे अच्छे नियम भी नहीं निकाल रही हैं। पर जब तक एक परवरिश जो एक शब्द है, वो परवरिश यदि घर घर में उस लेवल पे नहीं होगी, तो चाहे सरकार कितने ही मिशन चलाए और चाहे कितने ही नियम निकाले, जब तक ये अपराध ना ही घटेंगे, ठीक है, ये अपराध दिन प्रतिदिन बढ़ते ही चले जाएंगे। क्योंकि इसमें जो सबसे बड़ी कमी है वो है परवरिश, और वो परवरिश महिलाओं की नहीं पुरुषों की होनी चाहिए। यदि हम महिलाओं को ही अपराध के बारे में समझाते रहेंगे, महिलाओं को ही अपराध के लिए जागरूक करते रहेंगे, तो वो ये जो ये है महिला सशक्तिकरण है, ये जो अब महिलाओं के प्रति जो अपराध है, इनमें कोई भी कमी नहीं आएगी। हमें जो परवरिश करनी है, जो हमें जागरूकता करनी है, वो हमें पुरुषों में करनी है, ठीक है। यदि पुरुषों को हर घर में एक अपने लड़कों को जेंट्स को यदि एक अच्छी परवरिश दी जाए, अपने बच्चे को एक छोटेपन से एक लड़के को अच्छी परवरिश दी जाए, महिलाओं के प्रति उन्हें सम्मान सिखाया जाए, उन्हें समानता सिखाई जाए, ठीक है, महिलाओं के क्या होता है क्या नहीं होता है उन्हें सब कुछ सिखाया जाए, ठीक है ना, तो शायद जब वो बच्चा बड़ा होगा तो उसकी आंखों में महिलाओं के लिए एक सम्मान होगा, और जब वो सम्मान होगा तो शायद इन अपराधों में हम कुछ कमी महसूस कर सकते हैं और कुछ कमी मिलेगी भी, ठीक है। तो इसमें हम ये नहीं कह सकते हैं कि महिलाओं को जागरूकता की जरूरत है, ठीक, महिला तो जागरूक है ही, और परिवार भी इसलिए ही डरता है कि वो अपनी लड़की को किसी को बाहर भेजने से इसलिए ही डरता है कि भाई कोई अपराध ना हो जाए या अपराध है, ठीक है ना। तो यदि हम पुरुषों को परवरिश अच्छी देंगे, अच्छी एजुकेशन देंगे, तो शायद इन अपराधों में हम कुछ कमी कर सकते हैं। और अपनी सरकार जो हमारी सरकार ये एक अद्भुत तरीके का ये सशक्तिकरण चलाई हुई है, तो हम इसमें अपनी सरकार की कुछ हेल्प कर। जी तो आगे बढ़ते हैं मैम। जैसे कि बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल, आप डॉक्टर हैं और घर भी आप संभालती हैं, हाउसवाइफ के तौर पर आप काम करती होंगी, तो दोनों चीजों को आप कैसे मैनेज करते हैं, समय कैसे निकालती हैं परिवार के लिए? मतलब आप ये तो
24 घंटे ही होते हैं, ठीक है ना, एक दिन में 24 ही घंटे होते हैं। तो चाहे तो महिला प्रधानमंत्री हो और चाहे महिला राष्ट्रपति हो और चाहे वो किसी भी राजनीतिक फील्ड में हो, कोई भी प्रोफेशन कर रही है, जैसे मेरे पास 24 घंटे हैं ऐसी उन्हीं के पास 24 घंटे हैं। तो ये एक महिला का अपना पर्सनल विषय है, ठीक, कि वो उन 24 घंटों को कैसे मैनेज करे कि वो अपनी वर्किंग लाइफ भी और अपनी फैमिली लाइफ भी दोनों को बहुत अच्छे से इंजॉय कर सके। क्योंकि यदि वो अपनी फैमिली को ध्यान नहीं देगी तो उसकी फैमिली सपोर्ट जो है वो खत्म हो जाएगी और उसकी जो बच्चों की परवरिश है वो खराब हो जाएगी। और यदि वो अपने वर्क पे ध्यान नहीं देगी तो उसका वर्क खत्म हो जाएगा। तो वो एक महिला ही है जो दोनों ही कदमों को एक साथ बढ़ा के और एक अच्छे से मैनेज कर सकती है। क्यों? क्योंकि एक महिला, यदि वर्किंग होना आज के समय में बहुत जरूरी है, यदि एक महिला अपनी हाउसवाइफ के साथ यदि वर्किंग वुमेन भी है तो यदि वो वर्किंग है तो अपने साथ वो 2 से 3 महिलाओं को और रोजगार दे सकती है। और यदि महिलाओं के पास रोजगार बढ़ेगा तो वो अपनी फैमिली को वैसे ही अच्छी एजुकेशन दे पाएंगी और उन्हें अच्छी सपोर्ट दे पाएंगी और अच्छे संस्कार डाल पाएंगी। तो अब यही है एक महिला का कि वो कैसे मैनेज करती है। तो मैं अपने घर और क्लिनिक को दोनों को बहुत अच्छे से मैनेज कर पा रही हूँ क्योंकि हमने एक टाइम पीरियड और एक शेड्यूल बना रखा है कि हमें किस तरीके से अपने घर को मैनेज करना है, किस तरीके से अपने क्लिनिक को मैनेज। शेड्यूल टाइम टेबल बहुत मायने रखता है। यस, बहुत अच्छा लगा आपके विचार जान के। तो अभी आप अंत में हमारे चैनल के माध्यम से महिलाओं, युवतियों, हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं बंधन चैनल के थ्रू मैं महिलाओं को महिला दिवस के लिए यही बोलना चाहूंगी कि जो एक छोटा सा स्लोगन है, अपने वजूद को भुलाकर वो किरदार निभाती है वो देवी ही एक महिला कहलाती है, ठीक है ना। वो अपना सब कुछ भूल के अपने परिवार के लिए लग जाती है, ठीक है ना। वो ऐसा सिर्फ एक महिला ही कर सकती है, ठीक है। तो मैं एक डॉक्टर होने के नाते मैं अपना महिलाओं को यही मैसेज छोड़ना चाहूंगी कि वो अपनी हेल्थ पे बहुत ज्यादा ध्यान दे। क्यों? क्योंकि जो बीमारी है वो एक छोटी सी डेफिशिएंसी से हमारी बॉडी में आती है, ठीक है ना। वो आज के समय में 99 महिलाओं को वो प्रॉब्लम है कि किसी को वीकनेस हो रही है, किसी को सर दर्द हो रहा है, किसी को कमर दर्द हो रहा है। तो ये यहाँ से डेफिशिएंसी की शुरुआत होती है बॉडी में और वो डेफिशिएंसी कुछ समय बाद डिजीज में कन्वर्ट हो जाती है। जब हमें बीमारी हो जाती है तो महिला डॉक्टर्स को दिखाने जाती है और इतने वो डॉक्टर्स को दिखाती है, टेस्टिंग होती है, इस प्रोसेसिंग में वो डिसऑर्डर में चेंज हो जाती है। जब कोई बॉडी में डिसऑर्डर प्रवेश करता है तो वो हमें डेथ की तरफ अग्रसर करता है। तो जो ये 4 D है, यदि हर महिला इनको अपनी लाइफ में उतार ले तो शायद जो ये एक रेशियो है बढ़ता बीमारियों का जो है वो महिलाओं में वो एक लेवल पे या एक स्तर पे कम हो जाए। जी, बहुत अच्छा लगा आपके विचार जान के और बहुत बहुत धन्यवाद हमें अपना समय देने के लिए। धन्यवाद। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर बंधन समाचार की ओर से आपके लिए छोटा सा सम्मान। तो ये थी हमारे साथ मास्टर इन फिजियोथेरेपी और थो डॉक्टर सुजाता राजपूत जी। मिलते हैं हमारे अगले एपिसोड में एक और नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए बने रहें और देखते रहें बंधन समाचार।